हेलो एवरीवन, इन टुडेज 11th कॉमर्स बीके लेक्चर वी आर इन चैप्टर नंबर 2 एंड अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी हैव डन विद द क्लासिफिकेशन। लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इन फ्रंट ऑफ अस। सो इन योर पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक इट इज ऑन पेज नंबर 30। So let us check what we have done in the last lecture. तो कुछ इस तरीके का क्लासिफिकेशन हमने किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है? This is what we have done, illustration number, activity number 2, and now we are moving towards activity number 3. तो उसमें हमको क्या यूज करना है, ये जो पर्टिकुलर चार्ट है कौन सा मॉडर्न अप्रोच का, ये हमें यूज करना है, ठीक है? अच्छा, कैसे यूज करेंगे? तो देखिए, एक एग्जांपल हमको यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले आप उसका बेसिक फंडा क्या है उसको चेक कर लीजिए। सो दिस इज द चार्ट of classification of accounts with regards to modern approach. Which approach? Modern approach. जो classical approach था, traditional approach था, that was personal, real and nominal. इसमें हम divide करते थे। और जो अभी modern approach है, हाँ, it is regarding asset, liabilities, capital, revenue and expenses. Getting it? तो modern approach में हमें ध्यान क्या देना है? मॉडर्न अप्रोच में जब आप देखते हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो पर्टिकुलर आइटम क्या है, क्या वो असेट है या वो लायबिलिटी है या वो कैपिटल है या वो रेवेन्यू है या वो एक्सपेंस है। तो ये जो पर्टिकुलर आपको क्लासिफिकेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको पहले उसको जज करना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इन द केस इट इज असेट, ठीक है, क्या है वो, अगर वो एसेट है और अगर वो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एंड ये दोनों इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, वी हैव परचेस्ड अ फर्नीचर, तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ, है ना, या वी पेड सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंडिचर हुआ ना, तो एक्सपेंस सैलरी बढ़ गया, सैलरी पे करना पड़ा, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इंक्रीज होने पे आप इसे क्या करेंगे, यू विल डेबिट इट, उसको क्या करना है आपको, डेबिट में पुट करना, ओके। सिमिलरली अगर ये रिड्यूस होता है, क्या होता है, रिड्यूस होता है, असेट और एक्सपेंस रिड्यूस होता है, तो आप उसे कहां पुट करेंगे, क्रेडिट साइड। ये बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, ऑन द अदर वे कैपिटल दिया है, वी हैव इनकम एंड वी हैव लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज दी हुई है, अगर ये इंक्रीज होती है तो आप कहां पुट करेंगे, क्रेडिट साइड, और अगर ये डिक्रीज होती है तो आप कहां पुट करेंगे, डेबिट साइड। ये इसका रूल है। तो कितना सिंपल है, असेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट, देखो इसमें इंक्रीमेंट में हमने क्या किया, डेबिट किया, और लायबिलिटी इनकम और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर असेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या किया, क्रेडिट किया, और यहां पर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो क्या किया, डेबिट किया, मतलब रिवर्स है, जो हम असेट और एक्सपेंस के साथ कर रहे हैं उसी का रिवर्स हम किसके साथ करेंगे, कैपिटल इनकम और लायबिलिटी के साथ। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये जो पर्टिकुलर बेसिक इंफॉर्मेशन है कि कैसे क्लासिफाई करें कि डेबिट है या क्रेडिट है, इसका इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, तो जस्ट टेक इट डाउन।
तो इसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ हमारे सामने उसको हम देखेंगे। आप देखिए ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है दैट वी हैव टेकन विद द मॉडर्न अप्रोच, कौन से अप्रोच से कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। तो टेबल हमको सिमिलर पैटर्न में बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम ले लेंगे ट्रांजेक्शन, सेकेंड उसका टू एस्पेक्ट देखना है, देन अकाउंट इन्वॉल्व, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है उसमें, फिर कैटेगरी क्या है उनकी। नाउ दिस टाइम कैटेगरी के अंदर हम पहले क्या करते थे, वो कौन सा पर्टिकुलर अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, वो हम ट्रेडिशनल अप्रोच में करते थे। बट यहां पर कैटेगरी में हमको देखना पड़ेगा क्या वो असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस है। उस कैटेगरी में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अच्छा तो रूल कौन सा अप्लाइड है, तो वहां पर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ये आपको चेक करना है। एंड अकॉर्डिंगली लास्ट में हम बताएंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, संजय कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस्ड मतलब स्टार्टेड है ना, तो हम बोल सकते संजय स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 70,000, विथ कैश 70,000। तो इसमें कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, विच अकाउंट, कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। अब कैश, कैश है क्या, कैश असेट है, तो हमने लिख दिया कैश इज असेट। और कैपिटल कहां कैटेगराइज करते हैं हम, कैपिटल की कैटेगरी कैपिटल ही होती है, ठीक है। तो रूल क्या है यहां पर, जब बिजनेस में कैश आया, बिजनेस में कैश आया तो क्या हुआ, इंक्रीज इन असेट, असेट इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। बिजनेस में कैश आया तो असेट इंक्रीज हो गया। एंड कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल आया तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, इजंट इट, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, वी विल राइट टू एस्पेक्ट में, कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ द कैपिटल। तो जैसे हम ये ट्रेडिशनल अप्रोच में करते थे ना, तो ये पर्टिकुलर कॉलम जो है टू एस्पेक्ट वाला, ये हमको सिमिलर पैटर्न में करना है, ठीक है। तो कैश कम्स इन बिजनेस एंड प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ द कैपिटल, इसमें कोई चेंज करना नहीं है। नंबर टू, नंबर टू क्या है, रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पे किया, किसमें पे किया, कैश, राइट। तो एक अकाउंट क्या आ गया, रेंट अकाउंट आ गया, और दूसरा अकाउंट क्या आ गया, कैश अकाउंट आ गया, ठीक है। तो जो रेंट अकाउंट है वो क्या है, एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट क्या है, वो एसेट है। तो यहां पर रेंट पे करने की वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, वी विल राइट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और कैश, कैश क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यू विल राइट डिक्रीज इन एसेट, एसेट डिक्रीज हो गया, गेटिंग इट। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, रेंट इज एन एक्सपेंस, ये एज इट इज मेंटेन करना है आपको, और दूसरा कैश गोज आउट, कैश जा रहा है। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि रेंट एक्सपेंस है, और हमारा फॉर्मूला क्या था, जब भी असेट और एक्सपेंसेस रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस होगा तो क्रेडिट करेंगे, और इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। तो देखो रेंट इंक्रीज हुआ है तो हमने क्या किया, उसको डेबिट किया, और कैश, कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ तो हमने क्या किया, कैश को क्रेडिट में लिखा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है। नंबर थ्री, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर ऑफिस यूज, तो हमने क्या निकाला, बैंक में से कैश निकाला है ना, तो एक अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट आ जाएगा बैंक अकाउंट, दोनों ही हमारे लिए क्या है, एसेट। तो कैश तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है, बट बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट, बैंक का बैलेंस कम हुआ, राइट। तो कैश कम्स इन एंड बैंक इज गिवर, ठीक है। तो यहां पर कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि असेट इंक्रीज हुआ है, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि असेट डिक्रीज हुआ है, कितना सिंपल है। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल 4,200, देखो इनकी वाइफ कितना कॉल करती है, 4,200 का तो इनको मोबाइल बिल आया है कि नहीं,
तो इनकी वाइफ का बिल ये पे कर रहे हैं, तो ये क्या है? पर्सनल एक्सपेंस. क्या ये पर्सनल एक्सपेंस? और कोई भी अगर हम लोग पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग. क्या बोला जाता है? ड्रॉइंग. तो यहां पर एक अकाउंट आ जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट और दूसरा अकाउंट आ जाएगा कैश अकाउंट. ड्रॉइंग अकाउंट को हम रिलेट करेंगे कैपिटल से, राइट? बिकॉज ड्रॉइंग मतलब कैपिटल का रिडक्शन होता है ना. जब आप ड्रॉइंग करते हो तो उससे कैपिटल रिड्यूस होता है. और कैश, कैश क्या है? एसेट है. तो ड्रॉइंग इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, है ना. ड्रॉइंग इज द रिसीवर ऑफ द बेनिफिट. या हम ऐसा लिख सकते हैं, ओनर इज रिसीवर. क्या लिख सकते हैं? ओनर इज रिसीवर. और यहां पर क्या लिख सकते हैं? कैश गोज आउट. कैश गोज आउट. ओके, तो यहां पर आप क्या शो करोगे? कैपिटल. कैपिटल क्या हुआ? डिक्रीज इन कैपिटल. और असेट क्या हुआ? डिक्रीज इन असेट. असेट भी डिक्रीज हुआ, कैपिटल भी डिक्रीज हुआ. तो कैपिटल डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. और असेट डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो उसको क्रेडिट में पुट कर दिया. पॉइंट नंबर फाइव देखेंगे. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सुनील. हमने गुड्स क्या किया? परचेस किया 13,000 रुपीज का, ठीक है. तो यहां पर कुछ लिखा नहीं है वेदर इट इज पेड इन कैश और इट इज ऑन द क्रेडिट बेसिस. तो हम क्या कंसिडर करेंगे? कैश नहीं लिखा है तो हम क्रेडिट कंसिडर करेंगे. तो एक तो हमारे पास अकाउंट आ जाएगा परचेसेस अकाउंट, और दूसरा सुनील का नाम आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो क्रेडिट बेसिस पे है, हमें उसको पे करना है. तो परचेसेस हमारे लिए एक्सपेंस है और जो पे करना है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, ठीक है ना. तो इसको क्या लिखेंगे? परचेस इज एन एक्सपेंस, सुनील इज गिवर. तो यहां पर आपको मेंशन करना है कि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. तो इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. परचेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. सुनील क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. सिक्स्थ वन, रिसीव्ड कमीशन 4,500. कमीशन मिला तो एक तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? आएगा. और दूसरा कमीशन अकाउंट आएगा. कैश असेट है, कमीशन इनकम है, ठीक है. तो यहां पर कमीशन नहीं लिखेंगे. व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट इनकम, ठीक है. यहां पर क्या लिखना है हमको? इनकम, ठीक है. यस, तो असेट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. असेट इज इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू. रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, ठीक है. तो दोनों बढ़ गए. क्या लिखेंगे? कैश कम्स इन एंड कमीशन रिसीव्ड इज इनकम, ठीक है. कैश कम्स इन और कमीशन क्या है? इनकम है. तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट. और कमीशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट. सो ऑन द बेसिस ऑफ द सेम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर थ्री. अभी क्वेश्चन नंबर थ्री आप ध्यान से देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है. हमारे सामने ऑलरेडी ट्रांजेक्शन दे दिए हैं. हम एक अनसॉल्व क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यू. आप धीरे धीरे बताइए कि क्या होगा. सबसे पहले हम इसमें फिल करेंगे अकाउंट इन्वॉल्व. कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं? तो देखो, सबसे पहले हमको ट्रांजेक्शन क्या दिया है? राजेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 80,000. तो कमेंस का मतलब क्या हो जाता है? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है ना. तो यहां पर आई विल टेक टू अकाउंट. फर्स्ट क्या आ जाएगा? नंबर वन, I will take cash account. ठीक है. And number two will be capital account. Okay. अब यहां पर two aspect की जब बात होती है तो टू एस्पेक्ट आप जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में करते थे वैसे ही आपको करना है.
यहां पर क्या हो रहा है, कैश कम्स इन, तो नंबर वन आप क्या लिखेंगे, कैश कम्स इन, राइट। एंड नंबर टू यू विल राइट ओनर इज गिवर, ओनर इज गिवर। अच्छा नाउ कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी है, कैश क्या है, कैश इज एन असेट, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, असेट, असेट अकाउंट दैट यू कैन राइट, और कैपिटल, कैपिटल तो कहां जाएगा, कैपिटल कैपिटल में जाएगा, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। नाउ रूल अप्लाइड, रूल क्या देखते हैं हम लोग, अब यहां पर देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना, तो असेट में अभी कैश आने की वजह से असेट इंक्रीज हुआ या नहीं, यस वी विल राइट इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट, और कैपिटल आने की वजह से कैपिटल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, नंबर टू इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ, ओके ओके। अब आपको पता है कि अगर असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, हम उसे डेबिट करते हैं, है ना, तो यहां पर जो डेबिट वाला अकाउंट है उसमें क्या लिखेंगे हम, वी विल राइट कैश, कैश अकाउंट, और जो क्रेडिट है क्रेडिट में क्या लिखेंगे, वी विल राइट कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है, गेटिंग इट एवरीवन, और ऐसे ही करते जाएंगे अभी हम लोग, तो देखो नंबर टू में, नंबर टू में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, नंबर वन यहां पर आपको मिल रहा है पेड टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल हमने क्या किया, पे किया है, ठीक है ना, तो एक तो आ जाएगा आपका टेलीफोन बिल अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट, एंड अनदर वन विल बी नंबर टू, नंबर टू क्या होगा, पे किया है तो कैश अकाउंट, राइट, ओके, तो यहां पर टेलीफोन बिल क्या है, एक्सपेंस है, तो कैटेगरी में नंबर वन हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंस, और नंबर टू कैश क्या है, असेट, ठीक है, तो टू एस्पेक्ट क्या बताएगा यहां पर, टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस,
टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस, ठीक है। और नंबर टू, नंबर टू में हम क्या लिखेंगे, कैश गोज आउट, कैश गोज आउट। तो रूल, रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है यहां पर, एक्सपेंस। इसमें हमको सिर्फ एक ही रूल देखना है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट अबाउट एक्सपेंस, नंबर वन टेलीफोन बिल था तो इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नंबर टू व्हाट वी विल राइट, डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, ओके। तो सिंपली नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। What will be debited? Telephone bill will be debited. So telephone bill account is debited. नंबर टू क्या लिख देंगे यहां पर, कैश अकाउंट, ओके कैश अकाउंट। थर्ड वन, गुड्स परचेस्ड फॉर कैश, गुड्स परचेस किया तो एक क्या आ जाएगा यहां पर, यू विल राइट फर्स्ट वन परचेसेस, परचेसेस, ठीक है। और सेकेंड इजी कैश अकाउंट, ओके। अच्छा अभी क्या है उसके आगे आप देख रहे हैं, कैटेगरी डिवाइड करना है। तो परचेस क्या है, परचेस इज एन एक्सपेंस, परचेज इज एन एक्सपेंस यहां पर लिख दिया। और कैश, कैश क्या है, कैश इज अ एसेट, ठीक है। अच्छा परचेस किया है तो अगेन क्या हो रहा है यहां पर, परचेज इज एन एक्सपेंस आप लिखेंगे, नंबर वन परचेस इज
and expense. ठीक है. एंड नंबर टू, नंबर टू क्या करना है आपको, कैश गोज आउट. कैश गोज आउट. अच्छा, यहां पर, यहां पर क्या देखना रहेगा आपको, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू, जो ऊपर ट्रीटमेंट हमने दिया था, सेम आ जाएगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस. ठीक है. और असेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इन असेट. तो यहां पर यू विल राइट, डेबिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है तो परचेसेस विल बी डेबिटेड, परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड. और क्रेडिट में क्या जाएगा, कैश अकाउंट. ठीक है, इजी था. थर्ड वन, फोर्थ वन, सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ रुपीज 6000. अभी देखो यहां पर कैश में किया है, क्रेडिट में किया है, नथिंग इज मेंशन. व्हाट वी विल अज्यूम, इफ नॉट गिवन इन कैश वी विल अज्यूम इन क्रेडिट, है ना, उधारी में हुआ है ट्रांजेक्शन. तो फर्स्ट जो अकाउंट आएगा वो किसका आ जाएगा, हम मनोज को याद करेंगे, मनोज अकाउंट. और सेकेंड जो अकाउंट आएगा वो किसका आएगा, सेल्स अकाउंट. गेटिंग इट. तो जो मनोज का अकाउंट है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नंबर वन, मनोज इज रिसीवर, मनोज इज रिसीवर. और नंबर टू सेल्स, सेल्स क्या है, सेल्स इज एन इनकम. सेल्स इज इनकम, सेल्स इनकम. कैटेगरी, अब कैटेगरी में क्या देखना है हमको, यहां पर व्हाट वी विल राइट, मनोज से पैसा लेना है या मनोज को पैसा देना है. हमने गुड्स सेल किया है तो मनोज से पैसा लेना है कि नहीं. तो मनोज से पैसा लेना है तो मनोज हमारा क्या हो जाएगा, डेटर. डेटर मतलब असेट. तो नंबर वन क्या लिख देंगे, असेट. ठीक है, असेट अकाउंट. और सेल्स, सेल्स क्या है, इनकम. Getting it? तो अभी asset increase हुआ क्या decrease हुआ, increase हुआ, asset increase हुआ, है ना. So what we will write, increase in asset. And income भी क्या हुआ, increase हुआ, increase in income. राइट, असेट भी इंक्रीज, इनकम भी इंक्रीज. ओके, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, मनोज का अकाउंट डेबिट होगा. और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. गेटिंग इट.
So number 5, purchased machinery from Suresh on credit 15,000. हमने मशीनरी परचेस की, ठीक है ना? तो एक अकाउंट कौन सा अकाउंट आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर परचेस है तो कोई परचेस अकाउंट ना लिख दे, क्यों? परचेस और सेल्स ये सिर्फ गुड्स के लिए होता है, किसके लिए होता है? गुड्स के लिए। बाकी अगर आपने असेट परचेस किया है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा असेट अकाउंट, ठीक है? सो फर्स्ट देयर विल बी मशीनरी अकाउंट, क्या आएगा यहां पर? मशीनरी अकाउंट। और दूसरा दूसरा क्रेडिट पे परचेस किया तो सुरेश का नाम आ जाएगा नंबर 2, सुरेशेस अकाउंट, ठीक है? तो ये दोनों अकाउंट हमको मेंटेन करना है, मशीनरी अकाउंट एंड सुरेश अकाउंट। ओके, तो ये मशीनरी अकाउंट कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट इज असेट, और सुरेश का अकाउंट, क्योंकि सुरेश, अभी आपको यहां पर देखना सुरेश से पैसा लेना है या सुरेश को पैसा देना है? सुरेश को पैसा देना है तो हमारे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी, लायबिलिटी अकाउंट। गेटिंग इट? तो एक असेट अकाउंट हो गया, दूसरा लायबिलिटी अकाउंट हो गया। ओके, तो यहां पर आप क्या मेंशन करेंगे? व्हाट यू विल मेंशन मशीनरी के बारे में? मशीनरी कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, ठीक है? और नंबर 2, सुरेश इज गिवर। सुरेश इज गिवर, राइट? अच्छा, आप बताइए असेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो ऑब्वियसली परचेस किया है तो असेट इज इंक्रीज्ड, वी विल राइट इंक्रीज इन असेट। इंक्रीज इन असेट, ठीक है? नंबर 2, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। असेट भी इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। अब असेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट क्या करेंगे आप? मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्रेडिट क्या करेंगे? सुरेश अकाउंट, राइट? नंबर सिक्स रिसीव्ड रेंट, रेंट रिसीव हुआ, तो रिसीव्ड हुआ है तो ऑब्वियसली कैश में हुआ होगा, कैश अकाउंट आएगा। और दूसरा अकाउंट क्या होगा? रेंट, ठीक है? कैटेगराइज करेंगे तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट? असेट है, और रेंट अकाउंट इसमें क्या हो जाएगा? इट इज इनकम, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? कैश कम्स इन, कैश कम्स इन, एंड सेकेंड वन रेंट इज एन इनकम, रेंट इज एन इनकम। ओके, अब यहां पर क्या देखना है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो व्हाट यू विल राइट? इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन असेट।
एंड इनकम का क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम राइट। तो यहां पर अभी कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। सो वी विल राइट कैश अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा, रेंट। रेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व मॉडर्न अप्रोच कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन रेडी हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको देखो इलस्ट्रेशन नंबर वन क्या दिया है, स्टेट द टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व। सिर्फ हमको यही बताना है ना, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, ये हमको इसके अंदर बताना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। देखो पहला क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एक अकाउंट कौन सा आएगा, कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट राइट। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, तो यहां पर दो चीज आ गया, एक तो कैश और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड कैश अकाउंट आ गया। अगेन विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए निकाला है, तो अगेन कैश अकाउंट आएगा और बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट आएगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे सर यहाँ पर भी कैश बैंक था, यहाँ पर भी कैश बैंक है, तो यहाँ पर बैंक को पहले लिया और कैश को बाद में लिया। मैंने आपको बताया कि आप पहले से एंटिसिपेट कर लो कि क्या डेबिट होने वाला है, क्या क्रेडिट होने वाला है। अब नंबर टू में क्या था, डिपॉजिटेड कैश इंटू बैंक, बैंक में पैसा गया, हमारे पास से पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट, जा रहा है, इसके लिए क्रेडिट किया, क्यों, क्योंकि वो क्रेडिट में होगा। और यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, कहां से आ रहा है, बैंक से आ रहा है ना, तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा, इसके लिए यहां पर पहले कैश को लिखा गया। तो ये आपको समझने की जरूरत है, किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे। परचेस गुड्स फॉर कैश रुपीज 5000, हमने क्या किया, अभी गुड्स परचेस किया, और गुड्स परचेस किया तो परचेसेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट, अभी यहां पर क्रेडिट बेसिस पे है, किससे परचेस किया, किरण स्टोर से, तो किरण स्टोर का नाम आ जाएगा, क्रेडिट में डाल देंगे और परचेसेस डेबिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 3000, गुड्स बेचा, गुड्स बेचा, गुड्स गया, कैश आया, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू रोहिणी, क्या कंसिडर करेंगे, कैश में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो रोहिणी का नाम आ जाएगा, वो रिसीवर है, रोहिणी अकाउंट डेबिट, और सेल्स अकाउंट आ जाएगा। रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड मिला, किसमें मिला, कैश में, कैश अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डिविडेंड इनकम है। पेड ऑडिट फीस, ऑडिट फीस पे किया, तो ऑडिट फीस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं कि कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर टू ऑलरेडी वी हैव डन, क्वेश्चन नंबर थ्री इज ऑल्सो डन, क्वेश्चन नंबर फोर इज ऑल्सो डन। नाउ अ न्यू कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट असेट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। तो देखिए इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड कि असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया, उसके डेफिनेशन देखे, उसके बारे में समझा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, विच यू फाइंड मोर अट्रैक्टिव, असेट और लायबिलिटी, दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है आपको, असेट ज्यादा बेटर है या लायबिलिटी ज्यादा बेटर है, व्हाट विल बी योर आंसर। सो नो वन इज बेटर, बोथ आर इक्वल, असेट एंड लायबिलिटी बोथ आर इक्वल, तो बेटर की बात होती ही नहीं है। जब तक बिजनेस के अंदर कोई लायबिलिटी अकर नहीं होगी तब तक असेट भी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि बिजनेस जो है ये एक
थर्ड पार्टी है, एक सेपरेट एंटिटी है कि नहीं। तो जैसे ही उसके पास कोई कैश आता है तो उसका डबल इफेक्ट होता है, एक इफेक्ट लायबिलिटी साइड जाता है और दूसरा इफेक्ट एसेट साइड जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बैलेंस शीट बताता हूं। तो देखिए मैं यहां पर एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं। बैलेंस शीट में क्या क्या हो जाएगा, उसमें आता है लायबिलिटी, वी कैन राइट अमाउंट, और आएगा असेट्स एंड देयर विल बी अमाउंट, राइट। ओके, सो इसको हम हेडिंग दे देंगे बैलेंस शीट। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर ईयर रहेगा लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन, फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020, राइट और कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट आपके सामने रहेगा। लाइक दिस। अब इसमें सपोज सबसे पहले अगर प्रोपराइटर हमें क्या देता है, कैश देता है, मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा है ना, सौरभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सपोज जो प्रोपराइटर है, जो ओनर है, उसने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए, तो सबसे पहले आपको उसको लायबिलिटी में लिखना पड़ेगा कैपिटल। क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल। ठीक है, यू विल राइट कैपिटल हियर, अमाउंट आ जाएगा 5 लाख, और जैसे ये कैपिटल आपने लिखा, अदर साइड में आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, कैश। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड क्या है, इक्वल है, दोनों साइड क्या है, इक्वल, और लास्ट में ये दोनों क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। ठीक है, तो यहां का टोटल 5 लाख आ गया और यहां का भी टोटल 5 लाख आ गया। ठीक है, अभी आप समझिए ये जो कैश है, क्या है, कैश। ये कैश में से मैंने क्या किया, मैंने 50,000 रुपीज का फर्नीचर परचेस किया। क्या परचेस किया, फर्नीचर, तो मैं यहां लिखूंगा फर्नीचर। ठीक है, कितने का परचेस किया, 50,000 रुपीज का, राइट। तो ये कैश में से 50,000 कम हो जाएगा, तो वहां पर कितना बचा, 4,50,000, राइट। तो भी देखिए टोटल नीचे कितना है, 5 लाख, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया, स्टॉक परचेस किया। स्टॉक कितने का परचेस किया, 1 लाख रुपीज का। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज मुझको कैश पे करना पड़ेगा, तो 4,50,000 माइनस 1 लाख कितना बचेगा यहां पर, 3,50,000, और 1 लाख का क्या आ गया, स्टॉक। तो टोटल अभी भी आप नीचे देखेंगे दोनों साइड क्या हो रहा है, टैली हो रहा है, बराबर है। अच्छा, अब इस स्टॉक का फिनिश गुड्स बन गया, स्टॉक का क्या बन गया, फिनिश गुड्स बन गया, और ये स्टॉक मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया, 1 लाख रुपीज का जो स्टॉक था वो मैंने 1,50,000 रुपीज में सेल कर दिया। तो मैं यहां साइड में लिख देता हूं, स्टॉक ऑफ रुपीज 1 लाख सोल्ड फॉर
1,50,000. ठीक है, तो 1,00,000 रुपए का जो स्टॉक था वो मैंने कितने में सेल कर दिया, 1,50,000. तो ये जो 1,00,000 का स्टॉक है वो क्या हुआ, नील हो गया, चला गया ना, स्टॉक चला गया. और जिसको बेचा वो मेरा कौन, डेटर. वो मेरा कौन, डेटर. कितने में बेचा, 1,50,000. तो आपको पता है कि अगर 1,00,000 रुपीज का सामान 1,50,000 में बेचा तो 50,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट. तो मुझे यहां पर प्रॉफिट किसको देना है, प्रोप्राइटर को देना है. तो मैं यहां पर लिखूंगा प्रॉफिट लायबिलिटी साइड में, कितना, 50,000. ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो मैं जितने भी चेंजेस कर रहा हूं नीचे टोटल हमेशा क्या हो रहा है, टैली हो रहा है. टोटल क्या हो रहा है, टैली हो रहा है. ठीक है, मैंने सपोज बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले ने लोन दिया, मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है. कितना लोन लिया मैंने, 2,00,000 रुपीज का लोन लिया. तो लोन लिया तो मेरे पास कैश भी आएगा ना, तो ये कैश में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो 2,00,000 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3,50,000 से ये कितना हो जाएगा, 5,50,000. तो देखो अभी भी क्या हो रहा है, दोनों टैली हो रहा है. यहां पर भी 7,50,000, यहां पर भी 7,50,000. गेटिंग इट? तो जितना चेंज आप असेट में करोगे उतना लायबिलिटी में होगा, जितना लायबिलिटी में करोगे उतना असेट में होगा. अल्टीमेटली बैलेंस शीट शुड गेट टैली. बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए. अब ये जो डेटर है, डेटर से मैंने पैसे मांगे, भाई तू पैसे दे दे. डेटर ने बोला ठीक है पैसे दे देते. तो डेटर ने 1,50,000 रुपए दे दिए, तो डेटर क्या हो गया, नील. और इसमें 1,50,000 ऐड हो गया, कैश आ गया मेरे पास. तो 1,50,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7,00,000 हो जाएगा, है ना. तो टोटल देखो कितना है, 7,50,000. तो इस तरीके से धीरे धीरे बिजनेस ग्रो कर रहा है. देखो मैंने स्टार्ट किया था 5,00,000 रुपीज से, है ना, और आज मेरे पास कितना है, टोटल 7,50,000 का पूरा का पूरा असेट्स एंड लायबिलिटीज है. गेटिंग इट एवरीवन? इसके इक्वेशन को कैसे फिट करें, इसके इक्वेशन को कैसे फिट करें. तो ये जो राइट हैंड साइड हमारा क्या था, असेट था. असेट साइड का टोटल कितना है, 7,50,000 है. ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं असेट कितना है, 7,50,000. राइट, और आप देखिए यहां पर जो अदर लायबिलिटीज है, है ना, इसको क्या बोलेंगे, अदर लायबिलिटीज, अदर देन कैपिटल. कैपिटल छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हैं, अदर लायबिलिटीज. ठीक है, तो मैं उसको लिखता हूं लायबिलिटीज, लायबिलिटीज. तो लायबिलिटीज का आप टोटल ले लेंगे ये दोनों का, तो कितना आ जाता है, 2,50,000. तो मैंने लिख दिया 2,50,000, बराबर है. अच्छा, उसमें अगर मैं कैपिटल भी ले लूं, कैपिटल कितना है, 5,00,000. तो ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया. अभी इसको आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कैसा है, सपोज उसको कैपिटल ढूंढना है, यहां पे क्या ढूंढना है, कैपिटल. तो कैपिटल के लिए अगर मुझको इक्वेशन बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे. अब कैपिटल अगर आपको ढूंढना है तो लायबिलिटी वहां पर चला जाएगा, दैट मीन्स आप क्या करेंगे, असेट्स माइनस क्या आएगा, लायबिलिटीज. ये समझता है क्या, करके देखो. कैपिटल कितना है, 5,00,000, असेट कितना है, 7,50,000, और लायबिलिटीज कितना है, लायबिलिटीज है 2,50,000. राइट,
तो ये तो इक्वेशन है, आप कैसे भी इसको कर सकते हो अगर आपको लायबिलिटी ढूंढना है। ठीक है ना, तो लायबिलिटी अगर आपको सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे, व्हाट यू विल राइट, असेट माइनस कैपिटल, असेट में से कैपिटल माइनस कर दो, तो देखो लायबिलिटी का वैल्यू कितना है 2,50,000, असेट है कितना 7,50,000 और कैपिटल है कितना, कैपिटल इज 5 लाख, है ना। तो ये इक्वेशन हमेशा आपको करेक्ट आंसर देगा, गेटिंग इट। सो आई होप आपको अभी असेट और लायबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है, ये जो कंसेप्ट है ना, असेट लायबिलिटी और कैपिटल, ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, थैंक्स अ लॉट, डन फॉर द डे, मिलते हैं अगले एपिसोड में विद द न्यू कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।